बच्चे की पानी से डूबने की मौत हो गई थी, उसके लिए बहुत जंग लड़ी श्री राजेंद्र सिंह हुड्डा और शिवम। यहाँ राजेंद्र सिंह हुड्डा और शिवम नहीं होते तो यहाँ कुछ भी अन्याय नहीं मिलती। संचालित पढ़ाने वाले को अन्याय मिलने की, ऐसे आदमी को तो कभी भी कोई जिंदगी में कोई माले छात्र भी ना जा सके। आप इस फैसले से संतुष्ट हैं क्या? पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं क्या? हाँ, करवाना चाहते हैं। देखिए, इसमें मुख्य मेजर डिमांड जो यहाँ थी, हम यहाँ इसीलिए बैठे थे ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके, और इसमें ना तो किसी ने इसे अपने मूंछ का बाल बनाया, ना ये किसी की जीत है, ना ये किसी की हार है। मामला सिर्फ इतना सा था कि लोग हम पे भी आरोप लगा रहे थे कि हम यहाँ राजनीति कर रहे हैं, जबकि हम इस परिवार की मदद करने आए थे यहाँ पर। और जैसे ही इस परिवार की, ये परिवार इस मदद को मानता है, वैसे हम उठ गए यहाँ से। कहाँ दिक्कत आ रही थी भाई? हमें राजनीति करनी होती तो परसों का तो भाई, कल का तो धरना ही था इसके थाने के सामने, मचक के घेर सकते थे, कॉलेज प्रशासन को भी घेर सकते थे, सरकारी प्रशासन को, पुलिस को, मुख्यमंत्री, सब किसी को भी घेर सकते थे। भाई हमें ये करना ही होता तो ये वार्ता क्यों बैठा थे और क्यों ये कमेटियां बनती? सब कुछ हम हमारे पास ही रख लेते, कहाँ दिक्कत आ रही थी? ये गरीब परिवार तो ये पूरी तरह हम पर आश्रित था, जो फैसला हम करते थे वही इनको मान्य था। अगर इन्हें गर्द में डालना था तो ये हम ऐसी चीजें कर सकते थे, लेकिन ये उन लोगों के ऊपर तमाचा है तो ये सोचते हैं कि हम राजनीति करते हैं हर टॉपिक के ऊपर। राजनीति अपनी जगह है और अपनी संवेदनाएं अपनी जगह है। आज भी दोनों पक्षों में बैठ के वार्ता हुई है, 4 दिन क्यों लगे? ये वार्ता पहले भी हो सकती थी। बिल्कुल हो सकती थी, 4 दिन क्यों? ये तो उसी दिन हो जाती जिस दिन घटना हुई थी। ये लोकतंत्र है, लोगों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान में तो ऐसा तोहफा दिया है कि शोषित जो वर्ग है उनको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। अगर उस अधिकार को कोई दबाएगा तो हम वापस बार बार बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं। परिजनों को क्या कुछ आर्थिक सहायता मिली? परिजनों को, जैसा कि माननीय प्रमुख साहब ने, विद्याधर जी गिल साहब ने बताया कि कॉलेज प्रशासन की तरफ से 5,11,000 रुपये पुलिस प्रशासन को सौंपे जाएंगे, जो कि बाद में प्रशासन परिवार तक पहुंचा देगा, और 1,00,000 रुपये की मदद मंत्री जी की तरफ से, 50,000 रुपये की मदद शार सिंह जी शेखावत बामलास की तरफ से, और 50,000 रुपये की मदद चेयरमैन घुड़ा रामतार जी दायमा की तरफ से, और 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता राकेश जी देवेठिया जी की तरफ से, और बाकी समाज जो है वो अपने अपने सहायता करे। देखो, ऐसे परिवार एक नहीं, हजारों। दो, एक गरीब आदमी को न्याय दिलाने, एक गरीब मजदूर को न्याय दिलाने के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए थे। शिवम हुड्डा के नेतृत्व में हमने ये जो आंदोलन खड़ा किया था, और मेरे खिलाफ एक जो आप बता रहे हो कि परिवार दिया, एक नहीं हजार दो, हमारा जो संघर्ष था उसकी आज जीत हुई है। हमारी 11 लोगों की कमेटी थी, वो गई प्रशासन के साथ वार्ता की, और इस गरीब परिवार को न्याय मिला है, इससे बड़ी हमारी कोई खुशी नहीं है। ठीक।